एचआरटीसी बसों में बिना सफ़र किए सामान भेजने की सुविधा देने की शुरुआत तो प्रबंधन ने की है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारी ही इसके विरोध में उतर आए हैं। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने इसका विरोध किया है। वहीं निगम प्रबंधन ने साफ किया है कि बिना यात्री सामान को बस पर चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी सामान भेजने और प्राप्त करने वाले की है, ना कि परिचालक की है। महाप्रबंधक सीपीआईटी एचआरटीसी पवन महाजन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एचआरटीसी की बसों में सामान लाने और ले जाने के लिए हाल ही में जो निगम द्वारा किराया निर्धारित किया गया है, उस बारे में परिचालक संघ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुद्दा उठाया गया है। कहा है कि निगम की बसों में सामान लाने ले जाने की जिम्मेदारी कूली की होती थी। इस संदर्भ में ये आपके ध्यान में लाया जाता है कि बिना यात्री सामान को बस पर चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी सामान भेजने और प्राप्त करने वाले की है, ना कि परिचालक की। इस व्यवस्था से लोगों को अब अपना सामान भिजवाने में आसानी होगी और निगम की आय में भी इजाफा होगा। ये निर्णय निगम की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर लिया गया है और इसमें निगम के सभी कर्मचारियों का सहयोग अपेक्षित है। बता दें कि एचआरटीसी की नई रेट लिस्ट के अनुसार 70 प्रकार के सामान का जिक्र किया गया है, जिसका अतिरिक्त किराया लिया जाएगा। नई सुविधा के अनुसार आप एचआरटीसी बस में सब्जी, फल, फूल सहित ऑफिस और डाइनिंग चेयर, टेबल, सोफा सेट, बेड बॉक्स और अलमारी भी ले जा सकेंगे। एचआरटीसी परिचालक निगम प्रबंधन के इस निर्णय के विरोध में है। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन का कहना है कि अब लोग एचआरटीसी बसों में व्यावसायिक व घर का सामान भी ले जा सकते हैं और भेज भी सकते हैं, जिसका वजन के आधार पर टिकट लगेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा बिना सोचे समझे लिया गया है। पहले भी बसों में कूली ही सामान उतारते और चढ़ाते थे और अगर कहीं सामान भेजते थे तो कूली साथ जाता था। यूनियन ने प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन से कूली का प्रावधान करने की मांग की है। साथ ही कहा कि बस में सामान की जिम्मेदारी परिचालक की नहीं होनी चाहिए। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।